हेलो गाइस, आतिफ अहमद फ्रॉम टोर्नेडो स्पोर्ट्स कंपनी। आज आपके लिए दो बैट्स लेकर आए हैं, ग्रेड 3 इंग्लिश विलो दोनों बैट्स हैं। आइए पहले इससे स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ग्रेड 3 इंग्लिश विलो बैट है, इसके 9 ग्रेन्स हैं, आप देख सकते हैं। साफ सुथरी वुड है इसकी और बैट के अंदर अगेन साइड कर्व है एंड नॉर्मल कॉनकेविंग इसके अंदर हुई हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। अच्छा, इट्स अ फुल स्पाइन क्रिकेट बैट, स्पाइन इसकी पूरी नीचे तक जा रही है, मिड टू हाई इसका स्वेल है। अच्छा जी, तकरीबन 63 mm का इसका स्वेल है और एजेस इसकी 40 mm की इसकी एज है, 40 mm की इसकी एज है और 63 mm का इसका स्वेल है। तो इसका राउंडेड है, नॉर्मल राउंडिंग है, फुल राउंडिंग नहीं है मगर नॉर्मल राउंडिंग है, साइड से काफ़ी वो है। इट हेल्प्स रनिंग के अंदर जो है बैट का पिच पे अटकना जो है वो इसकी वजह से कम हो, उसका चांस कम हो सकता है, बैट के एजेस टूटने का चांस राउंडेड टो से कम होता है। अगर ये नॉर्मल राउंडिंग हो या फुल राउंडिंग हो तो बैट के टूटने का, जितना स्क्वायर टो होगा उतना ज़्यादा बैट के एजेस टूटने का ज़्यादा डर होता है। अच्छा जी, इसका आपको मैं टो भी बता जाऊं, 27.5 mm का इसका टो है, नॉर्मली 20-22 mm के होते हैं बट 27 mm का इसका टो है। इट्स अ सेमी ओवल शॉर्ट हैंडल, आप देख सकते हैं। बैलेंस वाइज बहुत अच्छा है, इसका बैलेंस है, वेट इसका है 2.6 से थोड़ा सा ज़्यादा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। पंच वाइज अगेन ये भी थोड़ी सॉफ्ट, सॉफ्ट टू मिड सॉफ्ट, थोड़ी सी सॉफ्ट टू मिड हार्ड इसकी प्रेसिंग हुई है एंड अगेन आप देख सकते हैं आवाज़ बहुत अच्छी आ रही है, पंच इसका बहुत अच्छा है, थोड़ा सा पंच ऊंचा है, ऊपर की तरफ है क्योंकि अगेन प्रोफाइल की वजह से आप देख सकते हैं। ओवरऑल इट्स अ वेरी डिसेंट बैट, वेरी गुड बैट। दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ, अगेन दिस इज़ ऑल्सो अ ग्रेड 3 इंग्लिश विलो बैट, इसके अंदर इट हैज़ गॉट 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ग्रेन्स, वेरी स्ट्रेट ग्रेन्स। ये दिस कुड ऑलमोस्ट पास एज अ ग्रेड 2 क्रिकेट बैट बट बीइंग ऑनेस्ट आपको बता दूं कि इट इज़ एक्चुअली ग्रेड 3 विलो मगर इसका लुक जो है वो ग्रेड 2 जैसी है। नॉर्मल कर्विंग है इसके ब्लेड में और अगेन नॉर्मल कॉनकेविंग भी है, सिर्फ वेट रिड्यूस करने के लिए। इट्स अ फुल स्पाइन क्रिकेट बैट, स्पाइन आप देख सकते हैं पूरी नीचे तक आ रही है, मिड टू हाई स्वेल है इसका, तो स्वीट स्पॉट्स भी इसका थोड़ा सा ऊपर है जिसकी वजह से बैलेंस जो है, क्योंकि वुड की कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी ऊपर होती है तो बैलेंस बेहतर होता है बैट का। 62 mm का इसका स्वेल है और 39 mm की इसकी एजेस हैं, 39 mm एजेस एंड 62 mm स्वेल। तो इसका नॉर्मल राउंडिंग है, अगेन एज आई सेड के बिल्कुल स्क्वायर नहीं है और फुली राउंडिंग है, नॉर्मल राउंडिंग बेसिकली इसे हम कहते हैं, विच हेल्प्स इन मेकिंग श्योर के एजेस इसकी ना टूटें, चांस कम होता है टूटने का। तो इसका मैं आपको बताता हूँ, 28 mm का इसका टो है, शॉर्ट राउंड हैंडल है इसका और वेरी गुड पंच, बहुत अच्छी साउंड, बहुत अच्छी आ रही है, ओवरऑल गुड बैट, वेरी गुड बैट। दोनों की प्राइसेस, दिस वन 15,000 rupees एंड दिस वन इज 12,000 rupees, आप देख सकते हैं ब्लू ग्रिप वाला 15,000 का है और जो कलर ग्रिप वाला है वो 12,000 का है। होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, दोनों बैट्स भी पसंद आए होंगे। होप टू सी यू गाइज नेक्स्ट वीक, थैंक यू।